Hello everyone. Today we are going to read a story, He is My Brother, from Marigold book for class 3. In this chapter, there is a young girl whose name is Meena, who carries her younger brother. Younger kya hota hai? Chota bhai. On her back to visit a holy place nearby. मीन ये जो गर्ल है इसने अपने भाई को छोटे भाई को अपनी बैग में उठाया हुआ है और ये कहाँ जाना चाहती है एक होली प्लेस में. होली प्लेस क्या आती है पितर जगह और वो जगह होली प्लेस कहाँ है एक पहाड़ी के ऊपर है और ये इसको लेकर वहाँ पर जा रही है. शी लव्स हर ब्रदर डियरली एंड carries him on her back as he cannot walk. इसने अपने भाई को अपने बैग में इसलिए उठाया हुआ है क्यों क्योंकि ये चल नहीं सकता. So let's know more about this story. Once upon a time there was a small hill. क्या है एक बार की बात है कि यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी थी. हिल क्या होती है पहाड़ी. A path went up the हिल बात क्या होता है रास्ता वे और एक रास्ता जो इस पहाड़ी के ऊपर को जाता था. इट वेंट थ्रू थिक थिक होते घने से एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फिर ट्रीज और इस रास्ते में ही बहुत ही घने घने से पाइन और फिर के वृक्ष थे. पाइन और फिर पाइन क्या होता है एक चीड़ का वृक्ष होता है जिससे के फर्नीचर बनता है और फिर भी एक वृक्ष है जिसकी पत्तियां बहुत ही पतली पतली सी होती हैं. पीपल ऑफन वॉक्ड ऑन इट टू अ होली प्लेस और लोग अक्सर ही इस होली प्लेस को जाने के लिए इस रास्ते से ही जाते थे. वन डे व्हेन द सन शॉन हाई इन द स्काई मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल. एक दिन क्या होता है कि जब सूरज बहुत ही तेज चमक रहा होता है आकाश में तो मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल और बहुत सारे लोग जो थे उस पहाड़ी के ऊपर को जा रहे. क्लाइंबिंग अप का मीन्स क्या होता है वेंट अप हाई मीन ऊपर को जा रहे थे. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली वो लोग जो थे जो पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे थे बड़े आराम से. स्लोली क्या होता है धीरे धीरे एंड केयरफुली मीन ध्यान से बड़े ही धीरे धीरे और ध्यान से ऊपर को चढ़ रहे थे. अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम द हिल विद देम और वो जो लोग ऊपर जा रहे थे पहाड़ी के ऊपर और उन्होंने से एक गर्ल थी लड़की थी जो कि उन्होंने के साथ ही उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रही थी. हर नेम वॉज मीना उस गर्ल का नाम क्या था मीना. मीना वॉज 12 ईयर्स ओल्ड और मीना जो थी उसकी उम्र थी केवल 12 ईयर मीन 12 साल की थी वो. शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक और उस लड़की ने कौन सी लड़की ने मीना ने उसने अपनी बैक में मीन पीठ पर अपने एक छोटे से लड़के को उठाया हुआ था. ही वॉज 4 ईयर्स ओल्ड उस लड़के की एज थी सिर्फ 4 ईयर की 4 साल का था वो. हिज हेयर वॉज कर्ली और उसके बाल जो थे वो घुंघराले थे कर्ली थे. हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यूज और उसकी जो आईज थी वो काले कलर की थी ब्लैक कलर की थी एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यूज और उसके या उसका जो फेस था वो फ्रेश था. कैसा फ्रेश था कि जैसे मॉर्निंग ड्यू होती है ना जैसे सुबह सुबह आप बाहर जाते हो तो कई बार कई पत्तियों पर या ग्रास पर जो पानी की बूंदें होती हैं वो फ्रेश फ्रेश ही लगती है. ऐसे ही उसका फेस लग रहा था. एज द सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली एंड स्टेडली मीन जैसे ही सूरज की जो तेज धूप थी वृक्षों में से
आ रही थी तो मीना क्लाइम द हिल स्लोली एंड स्टेडली। स्टेडली क्या होता है? कॉन्स्टेंटली, लगातार। स्लोली मीन्स नॉट क्विकली, धीरे धीरे। तो मीना जो थी वो पहाड़ी की तरफ धीरे धीरे और निरंतर लगातार ही ऊपर वो चढ़ती जा रही थी। मीना वॉज हैप्पी, मीना बहुत खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, और वो लड़का जो था, उसका भाई जो था मीना का, वो भी बहुत खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक एट मीना, मीन वो जो लोग जा रहे थे पहाड़ी की तरफ, चढ़ रहे थे पहाड़ी के ऊपर, तो जिसमें मीना भी थी, तो उस ग्रुप में एक आदमी था। लुक हियर, दिस इज द मैन। तो ये जो आदमी था, ये मीना की तरफ इसने देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। तो उस जब उसने मीना की तरफ देखा, तो उसको देखकर उसको उस पर बहुत तरस आया। सॉरी क्या आता है? फीलिंग पिटी। ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड व्हाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। फिर ये आदमी इसको पूछता है मीना को कि मीना मेरी बच्ची, कि तू इस लड़के को अपनी पीठ पर क्यों उठाया हुआ है, कि तू इसको उठाकर क्यों ऊपर को जा रही है। डोंट यू फील हिज लोड, लोड क्या होता है? बर्डन, भार। फिर ये पूछता है इसको कि तुझे इसका भार नहीं लगता, तू इसका भार महसूस नहीं करती। मीना लुक एट हिम इन वंडर, वंडर क्या होता है? सरप्राइज, बड़ी ही हैरानी के साथ। तो मीना इस आदमी की तरफ बड़ी हैरानी के साथ देखती है। फिर ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, फिर वो उसको समझ नहीं पाती, कि उसको उसकी समझ नहीं आ सकी कि उसने उसको ऐसे क्यों बोला है कि उसको इसका भार नहीं लगता उस लड़के का। हर ब्रदर वॉज अनएबल टू वॉक, उसका भाई जो था ये, वो चल नहीं सकता था, उससे चला नहीं जाता था। मीना आस्क्ड लोड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज माई ब्रदर। फिर मीना इस आदमी को कहती है कि लोड, बर्डन, भार, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ही इज माई ब्रदर, ये तो मेरा भाई है। मीना इसको कहती है कि मुझे इसका भार बिल्कुल भी नहीं लगता, क्यों? क्योंकि ये मेरा भाई है। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम एक फैमिली में होते हैं, फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं, उसके हमें क्या है, उसके साथ हमें दुख सुख में उस उन्हों का साथ देना चाहिए। जैसे कि ये मीना जो थी, इसने अपने भाई को अपनी पीठ पर उठाया हुआ था, और क्यों उठाया था? क्योंकि वो चल नहीं पाता था। तो ऐसे ही हम जब एक परिवार में रहते हैं, तो हमें भी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, सो यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली। थैंक यू।